Live. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum khawatin wa hazrat. आप जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हॉट 105 की आवाज़ सुन रहे हैं, आप सबको एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर। बहुत दिनों के बाद मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुबह बखैर कहना। एक काफ़ी महीने आपसे ये रबता नहीं रहा, लेकिन लास्ट संडे आपसे मदर्स डे के हवाले से मुलाकात रही और अच्छी रही, और अब ये सिलसिला इसी तरह से रहेगा इंशाल्लाह। आपके साथ रब्ता भी रहेगा और आपकी बातें हमारी बातें, और अच्छा म्यूज़िक, मधुर म्यूज़िक जो आप सुनना चाहते हैं, अच्छी गज़लें और गीत जो आपको और जगह से सुनने को नहीं मिलते हैं, वो हम आपके लिए लेके आते हैं। और कुछ आपकी कहानियाँ, कुछ हमारी कहानियाँ, कुछ सुनी कुछ अनसुनी कहानियाँ, अनकही कहानियाँ। हमारे माशरे में बेशुमार कहानियाँ हैं जो बिखरी पड़ी हैं, उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, आप मुझसे राबता कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, और हम आपको दावत देंगे, आप हमें कॉल भी करेंगे। टेक्स्ट मैसेज करने का तरीका आपको मालूम है। अगर आप पहली मर्तबा हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, यानी मुजफ्फर अहमद की आवाज़, हॉट 105 की आवाज़, तो फिर आपको बताना ज़रूरी है। अपने मैसेज ऑप्शन पे जाके आपने HOT लिखना है, एक स्पेस देने के बाद अपना नाम, और जहां आप हमें सुन रहे हैं, अपने शहर का, अपने कस्बे का, अपने गांव का नाम, और मुख्तसर सा पैगाम आपने भेजना है। और भेजना कहाँ है? 8881 पर, यानी 8881 पे हमारे पास आएगा। फेसबुक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हॉट 105 का ऑफिशियल पेज आप देखिएगा, आपको शायद मिल जाएगा। और अगर वो नहीं मिलेगा तो मुजफ्फर अहमद का पेज आपको मिल जाएगा, सर्च करना पड़ेगा। वहाँ भी हमारी कुछ महफिल होती है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल भी हो जाते हैं, गुफ्तगू शनीद भी होते हैं। और सब आज कहते हैं इंटरनेशनल टी डे है। हाँ, देखिए कैसा टी डे है कि मुझे चाय नहीं मिली है। मैंने बताया था आपको कि मैं सुबह इतवार को बगैर नाश्ते के आता हूँ। बगैर नाश्ते के मुझे बोलना और दो घंटे तक बोलते रहना ज़्यादा आसान लगता है। नाश्ता करने के बाद जो है वो कुछ सुस्ती काहली भी आ जाती है, लेकिन चाय जो है ये हमारा चूँकि अब कौमी निशान बन चुका है, चाय के बगैर कहीं पर गुजारा नहीं होता है। हमारा जो तबका है, जो मेहनत कश तबका जिन्हें कहा जाता है, वो तो न जाने कितनी प्यालियाँ चाय पी जाते हैं काम करने के साथ साथ, और उसमें तीन तीन चम्मच चीनी के, शक्कर के वो डालते हैं, कहते हैं इससे हमें एनर्जी मिलती है वरना हम थक जाते हैं। तो चाय लोग जो है सुबह सुबह भी पीते हैं, यानी बैटरी का भी रिवाज था, मुझे नहीं पता कि अब है या नहीं है। कैसा अजीब लगता है कि सुबह आपने कुल्ली भी नहीं की है, मुंह साफ भी नहीं किया है, और आप चाय पीते हैं तो रात भर के जो जर्म्स हैं मुंह के अंदर जो आ जाते हैं, मेदे से सफ़र करते हुए मुंह की तरफ आ जाते हैं, तो उससे कैसा आपको गंदा नहीं लगता है? लेकिन चलिए जी, हम तो बैठी पीने वाले नहीं हैं। आइए आपको आज का पहला ट्रैक जो है, पहली आवाज़ आपको सुनाता हूँ, आपको यकीनन अच्छी लगेगी। और हमारे माशरे की कहानी है, हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम जो कहते हैं हमारा ताल्लुक मुस्लिम उम्मा से है, और हम बड़े पाकबाज और बहुत नेक लोग हैं, लेकिन इस्लाम की, दीन की जो तालीमात हैं उस पर हम अमल करने वाले नहीं हैं। सौ जुमे पड़ आइए
दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। शैतान नाल लड़दा कदी नफ्स अपने नाल लड़ियाई नहीं बुल्ले शाह आसमानी उड़दिया फड़दा जेड़ा कर बैठा ओनू फड़ियाई नहीं बुल्ले शाह आसमानी उड़दिया फड़दा जेड़ा कर बैठा ओनू फड़ियाई नहीं सुरते चिल्ले कीते पर रब ना मिलिया लैणा की चिल्लिया विच वड़ के बुलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा पावे लाल होवे कड़ कड़ के बुलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा पावे लाल होवे राती जागे ते शेख सदावे पर रात नू जागन कुत्ते तैथी उत्ते शेख सदावें पर रात नु जागन कुत्ते तैथी उत्ते राती पौंकण बस ना कर दे फिर जा रड़ा विच सुते तैथी उत्ते यार दा बूहा मूल ना छड़ दे पावे मारो सौ सौ जुत्ते तैथी उत्ते बुल्ले शाह उठ यार मना लै नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते तैथी उत्ते
पड़िया ते ना तस्बा खड़काया, ना मैं तीहो रोजे रखे ते ना मैं चिल्ला कुमाया। बुल्ले शानू मुर्शद मिलिया उन्हें एवें जा बख्शाया। Listening to Hot FM 105 Radio Network. वो बुतों ने डाले हैं वसवसे के दिलों से खौफ खुदा गया है, वो पड़ी है रोज कयामते के ख्याल रोज जगा गया। जो नफस था खार गुलू बना, जो उठे थे हाथ लहू हुए, उन्हें शाते आ सहर गई, वो वक़ारे दस्ते दुआ गया। आपने बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुना है और मेरा ख्याल है कि हम थोड़ी देर के लिए, हमारा दिल जो है गवाही देने लगता है कितनी सच्ची बातें हैं, कितना सही ख्याल है, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। दोस्तों, हमारा मुआशरा जो है, मैंने अभी अर्ज़ किया था ना कि हम एक अजीब तरह के मुनाफ़क़त का शिकार है और ये मुनाफ़क़त आए रोज़ बढ़ती चली जा रही है हमारे यहाँ इनफरादी तौर पर भी और मिन हैसल कौम तो है ही। हम एक अच्छे इंसान नहीं रहे हैं, अच्छे मुसलमान नहीं रहे हैं। हमारी कदरों में अब वो तब्दीली आ गई है जिसे मॉडर्न कहा जाता है, हम जदीदियत के कायल हैं और बहुत सारी जो सच्ची और खरी बातें हैं हमारे दीन ने सिखाई हैं उसको किसी न किसी तौर पर झुठलाते रहते हैं, खुद भी और अपने बच्चों को भी, अपनी औलादों को भी। कहते हैं ये है, लेकिन वक्त की ज़रूरत अब ये है जो आज हम कर रहे हैं, यानी झूठ बोलें, कीना रखें, कदूरत रखें, बदतमीज़ी रखें, हर वो बुरी बात जिसे हमारे बुज़ुर्ग हमें मना करते रहे, हमें सिखलाते रहे कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, इकदार क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने भुला की। हम और तो क्या, हमने अपनी ज़बान भी भुला दी। ज़बान से कोई ताल्लुक था तो दीन से भी जुड़ जाता था क्योंकि उर्दू के साथ अरबी भी करीब करीब है, लेकिन हमने तो अपनी जो मादरी ज़बानें थी उनको भी कहीं फरामोश कर दिया। मेरा ख्याल है ख़ास तौर पे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त हैं, वहाँ पे या तो उर्दू ही बोलते हैं या फिर अंग्रेज़ी बोली जाती है और ज़्यादा जो प्रेफरेबल है वो अंग्रेज़ी है। और जब अंग्रेज़ी आप बोलते हैं, अंग्रेज़ी ही समझते हैं, अंग्रेज़ी ही पढ़ते हैं, तो अंग्रेज़ का दिया हुआ सबक आपको फिर पढ़ना होता है और वो सारी बातें जो हमें हमारे कल्चर का, हमारे इस्लामी कल्चर का एक हिस्सा है। इस्लामी कल्चर क्या है, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ जो है वो इसका मफहूम बयान करते हैं। इस्लामी कल्चर वही है जो हमारे नबी पाक ने दिया है, रहन सहन हमारा, उठना बैठना माशरे में, रिश्तों का ताल्लुक, रिश्तों को निभाना, ये सारी बातें जो हैं ये हमारे दीन ने बताई हैं, हमारे नबी पाक ने दी हैं, अल्लाह ताला ने
कुरान पाक उतारा और उसमें जो है वो हमें बताया कि हमें ज़िंदगी किस तरह से बसर करनी चाहिए, और किस तरह से बसर करोगे तो फलाह में रहोगे, भलाई में रहोगे, और अगर तुमने ये सब कुछ ना किया तो फिर उसका भुगतोगे और हम भुगत रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मैंने बहुत अच्छी गज़लें हैं जो पहले भी आप यकीनन सुन चुके होंगे, अभी मैं आपको आवाज़ सुना रहा हूँ आबदा परवीन की। कुछ मैसेजेस मेरे पास मिले हैं और हमें फेसबुक पे कम से कम ज्वाइन करने वालों ने, कौन कौन है, मोहम्मद हनीफ नगता साहब तशरीफ़ लाए हैं, कहते हैं आज के हसीन प्रोग्राम में मेरी अहलिया ख़तम नगता के साथ शामिल हूँ, तबीयत में काफ़ी बेहतरी, अब दोस्तों से दुआ की दरख्वास्त करते हैं और दोस्तों के लिए भी दुआ करते हैं। हमें बुखारी सैदा ने भी ज्वाइन किया है, साजिद खान चांडियो साहब भी हमें सुन रहे होंगे, आप सबका शुक्रिया। उधर अगर देखते हैं तो नादिर साहब हमारे साथ हैं साइट एरिया से, अस्सलाम वालेकुम कहा उन्होंने, वालेकुम अस्सलाम। और जुल्फ़कार अली मक्सी साहब लड़काना में हमें सुन रहे हैं, नादिर साहब ने कहा कि आओ जी बिस्मिल्लाह उड़ी का मुखिया। थैंक यू सो मच। जी हाँ बिल्कुल, मैं भी बहुत खुश हूँ कि वो उड़ी का इंतज़ार जो आप भी कर रहे थे और मैं भी कर रहा था कि मैं कब जाऊँगा इतवार के दिन और आपके साथ महफ़िल कलाम होगा। आपने मुझे कॉल करना शुरू कर दिया है तो ज़रा थोड़ा सा तो वाकफ़ फरमाइएगा, थोड़ी देर रुक जाइए, अभी मैं आपको आबदा परवीन की आवाज़ सुनाता हूँ और फिर हम कुछ और बातें करते हैं। हमारे
कलाम है जावेद कुरैशी साहब का। ये वही जावेद कुरैशी साहब हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कलाम लिखा, बहुत अच्छे शायर, और जिनकी नूर जहाँ की आवाज़ में भी आपने काफ़ी इनकी गज़लें सुनी हैं। और भी बाकी आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, ये सारी नज़में गज़लें इनकी बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे शायर, मुझे भी बहुत पसंद हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि हर कोई अपने आप को फरिश्ता समझता है, कलाम में आपने सुना, और कोई अपने आप को बशर इंसान नहीं समझता है, सारे ही लोग बड़े पाकबाज हैं। तो फिर ये माशरे में जो हमें गलाजत नज़र आती है, ये कहाँ से आ गई है? अगर सभी फरिश्ते हैं तो फिर फरिश्तों जैसा माहौल होना चाहिए ना। कहते हैं, सियाने कहते हैं कि दिल में जब कदूरत पैदा हो जाती है, कीना पैदा हो जाता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता गोया कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आप किसी को बिला वजह, किसी हसद या किसी जलन की वजह से बुरा समझने लगते हैं और हकायक को जाने बगैर और एक तरफ को चल पड़ते हैं, तो ये कीना और गुरूर और घमंड ये कैंसर की शक्ल बन जाता है और जिस्म से उठता है तो फिर चेहरे पर आ जाता है। चेहरा जो है वो आपके अंदर का गमाज होता है, अंदर के जज्बात जो होते हैं, आंखें आपको सब कुछ बता देती हैं। आपका चेहरा बहसियत मजमूई देखें तो वो सारी चीज़ें पलट के आती हैं, आपके मुंह पे पड़ती हैं आके। तो दिल में कीना रखने वालों को चाहिए कि क्यों होता है कीना, हम क्यों दूसरों से हसद करते हैं, जलन करते हैं। मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। इंसान में अगर इनकसारी हो, आजी हो, और माफ़ कर देने की, दूसरों को गलतियां नज़रअंदाज कर देने की आदत हो, तो ये मैं हमेशा कहता हूँ ये खुदाई आदत है। हमारे कितने गुनाह, हमारी कितनी गलतियां, लगजशें हमारी अल्लाह मियाँ माफ़ कर देते हैं, कभी जितलाया भी नहीं है। और अल्लाह की तरफ से ये भी है कहना, ये रियायत भी है कि अगर हम मान लेते हैं अपनी गलती और अपनी लगजशों को समझ लेते हैं कि ये हमसे कोताहियाँ हुई हैं, तो फिर वो माफ़ भी कर देते हैं अगर आप माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि वो ही बड़ा माफ़ करने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड। ये हर इतवार का शो होता है जो सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुजफ्फर अहमद के साथ आप सुनते हैं, और मैं हॉट 105 की मैनेजमेंट प्रोग्राम मैनेजर की का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि आप दोबारा शुरू कीजिए प्रोग्राम। क्योंकि मैं जो मैंने अर्ज़ किया ना कि माशरे की मुनाफ़कत और माशरे की जो क्या कहूँ मैं, दिल बहुत ख़राब होता है, तबीयत बहुत उदास हो जाती है। मुझे भी मौका मिला है, आपको भी मौका मिला होगा, मैं बहुत सारे ममालिक घूम चुका हूँ, लोगों में जैसे हालांकि कितने हालात ख़राब रहे, श्रीलंका के कोलंबो में कुछ दिन गुजारे मैंने, तो वहाँ देखा कि वहाँ पे गुरबत अफलास, और आपको पता ही है कि डिफ़ॉल्ट भी कर गया था, और वहाँ पे कैसा बड़ा इनकलाब भी आया।
और महंगाई इतनी ज़्यादा, लोग जो हैं वो कतारों में लगे हुए हैं वहाँ पेट्रोल के लिए, और 10-10, 12-12 घंटे का लोड शेडिंग भी थी वहाँ पे, उनके यहाँ एनर्जी ख़त्म हो गई थी, पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे जो लोग काम करने वाले थे वो किस तनदही से, कितनी ज़िम्मेदारी से अपने काम कर रहे थे। मैंने किसी रोड पे, किसी गली में कोई कचरा नहीं देखा है, कहीं एक कागज़, कहीं एक शॉपर उड़ता हुआ कहीं नहीं देखा है। मुख्तलिफ गाड़ियाँ अपने काम पे लगी रहती थी, स्टाफ जो है वो हमदन मसरूफ़ होता था। लेकिन मैं अभी 2 रोज़ पहले देख रहा था, मेरे घर के पिछवाड़े में एक स्ट्रीट है, उसमें बहुत दिनों से पहले तो गटर ही खुले रहे काफ़ी, मैनहोलों के ढकने नहीं थे, बनाए भी गए तो उनके ऊपर ढकने नहीं लगाए गए, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता टूट गए, लोग गिरे वहाँ पे, हादसा हुए, और उसके बाद फिर वहाँ पे लगे तो वहाँ पे कचरा सफाई करने वाले जो है वो कंटोनमेंट के एरिया में आता है वो, तो वहाँ का जो स्टाफ है वो ऐसी बेदिली के साथ सफाई करते हैं कि मैं कहता हूँ कि घर में जैसे अगर कोई बहू या बेटी ऐसे करे तो उसे कितनी सरजनिश होती है कि ये करीब से कचरा छोड़ गई हो तुम। लेकिन वहाँ पे कोई सुपरवाइज़र नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि आधा कचरा वहीं रह गया है और आधा जो है उन्होंने किसी गाड़ी में डाला और ले गए। तो मैं देखता था, मेरा दिल कुटता था। एनीवे ख़वातीन ज़्यादा, हम जैसे लोग जो है वो शायद सारी ज़िंदगी इस तरह से कुड़ने में गुजार देते हैं, हमें कोई, हमारा इसका कोई इलाज नहीं है। सो मेरी तो बेगम कहती है कि आप मत देखा करें ऐसी चीज़ें, तो क्या करें, इंसान हो तो नज़र तो उठती हैं, देखता हूँ मैं इर्द गिर्द, देखते हैं ना, जैसे हम पान की पीक फेंकते हैं और कितनी ज़िम्मेदारी के साथ पान की पीक फेंकते हैं, हमें बहुत लुत्फ आता है, सीढ़ियों में, दीवारों पे और फुटपाथों पे, जहाँ कोई चीज़ मिले पान और गुटखा खाते हैं, वो गिराते हैं मुँह से, ना जाने मैं, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल रहा है। मैं आपको, आप मुझे अब कॉल कर लीजिएगा 111-000-105 पे, आप हमें बताइएगा। एक खातून का मैसेज भी है, वो भी मैं शामिल करूंगा, लेकिन इस आवाज़ के बाद जो मुझे बेहद पसंद है, मैं हमेशा जब इनका ज़िक्र करता हूँ, ये तमाम लोग जो जिनकी मैं आवाज़ें आपको सुनाता हूँ, म्यूज़िक सुनवाता हूँ, ये बहुत बड़े लोग थे, अल्लाह ताला ने इनको हमारे लिए फ़नकार, शायर, गुलकार, मौसिकार बना के भेजा था। आइए खान साहब की आवाज़। जब पुकारा है तुझे अपनी सदा आई है, जब पुकारा है दिल की दीवारों से नगीनों का यहाँ
अशकों के नगीनों का यहाँ आँख बाजार में एक जिनसे गिरा लाई आँख बाजार में एक जिनसे गिरा सदा आई है जब पुकारा है दिल की बस्ती दिल की बस्ती में तुम आए हो तो क्या पाओगे क्या पाओगे दिल की बस्ती में दिल की बस्ती में तुम आए हो तो क्या पाओगे अब यहाँ कोई तमाशा न तमाशा जब पुकारा है तुझे अपनी सदा जब पुकारा शहर खामोशा की तरह दिल भी आबाद है शहर खामोशां की तरह हर तरफ लोग मगर आलम तन्हाई हर तरफ लोग मगर आलम तन्हाई जब पुकारा है तुझे अपनी सदा आई जब पुकारा है दिल की दीवारों से लिपी हुई तन्हा Listening to Hot FM 105 Radio Network. ये कलाम था जी मोहसन एहसान का
और मोहसिन रेजान कहते हैं, दस्तकें सुनते हैं सब, दर खोलता कोई नहीं, खौफ घर में इस कदर है, बोलता कोई नहीं। एक हजूमे तायरा है, बेसकत बेहौसला, बालों पर होते हुए पर तोलता कोई नहीं। दोस्तों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप जब मुझे कॉल करें तो वक्त ज़ाया ना हो, बहुत अच्छी कोई कारामत बात हमसे कीजिएगा, सुनने वालों तक पहुंचाएगा। ज़ुबैदा बीबी का मैसेज है और वो कहती हैं कि बहुत दिनों के बाद आपको सुना है, आपने लास्ट संडे मदर्स डे पे प्रोग्राम किया था, माँ को याद किया था, तो मैंने भी अपनी माँ को याद किया था, उस दिन कॉल ना मिल सकी, लेकिन आज मैं आपको मैसेज भेज रही हूँ। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन अजब बात यह है कि मेरे शौहर ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है कि तुम अपने घर नहीं जाओगी। अपने घर से मुराद इनका ख्याल यह है कि मुराद यह है कि अपनी अम्मा के घर, माँ के घर, यानी अपने मैं के। तो उसकी वजह ये बयान करती हैं, कहती हैं कि वो मेरी छोटी बहन का रिश्ता है, इन्होंने मेरे मियाँ के छोटे भाई के लिए मांगा था तो मेरे वालिद ने, वालदा ने मना कर दिया था और कहा था कि घर में 2 बेटियाँ हम नहीं देंगे, बाद में मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से जब वहाँ से इनकार आया, मेरे साथ तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कह रखा है कि तुम वहाँ नहीं जाओगी, ये सज़ा जो है ये मुझे दी जा रही है। तो मेरा दिल उस दिन बहुत तड़पा, मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया तो अम्मी भी रोने लगी, कहने लगी बहुत अरसा हो गया तुम आई नहीं हो। तो मैं जब आपकी बातें सुन रही थी तो मेरी आँखों से आंसू रवा थे। बीबी ये एक क्या कहें, ये पढ़े लिखे जाहिल लोग होते हैं, इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता है, कभी भी किसी जाहिल गवार आदमी के साथ आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं, वरना फिर परेशानी आप ही को होगी। हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं बहुत और उनको समझाने वाला भी कोई नहीं है। सास को भी अच्छा कहा इन्होंने, देखें इनकी तरफ से अपने मियाँ की भी तारीफ ही हुई है और सास को भी इन्होंने कहा कि वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये गिला शिकायत जो उनके दिल में है, कौन नहीं चाहता अपने ज़िंदा माँ बाप अगर मौजूद हों इस दुनिया में तो उनको मिलने को किसका दिल नहीं चाहता है। लोग सात समंदर पार से भी जो है वो 2-3 साल के बाद, बल्कि बाज़ लोग तो 8-10 साल के बाद भी चले आते हैं अपने माँ बाप को देखने के लिए। ऐसा होता है, मेरे साथ एक दोस्त हैं गालिबन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मास्टर मकबूल बात कर रहे हैं, लाइन नंबर 6 से। जी मास्टर मकबूल कहिए, क्या कहेंगे आप? कहना ये पिछली बार तो आपसे ज्यादा बात हो नहीं सकी, अभी एक बहन का जो बता रही थी, बड़ा दुख हुआ ये बातें सुनकर। मेरा कहना है सिर्फ इतनी जर्ज करना, मुजफ्फर भाई हर मौजू पर बात करते हैं और लोगों को इसलाह भी होती है, नसीहत भी होती है, बहुत अच्छी बातें करते हैं और लोग भी काफी अच्छी अच्छी करते हैं। मैंने ये लोगों को देखा है, मैं कंपनी में काम करता हूँ, बेचारे जो ज़हीफ हो गए 60 साल से ज्यादा वो सर्विस कर रहे हैं, मगर ये होता है ये वो कहते हैं हमें आपकी जरूरत नहीं है, अक्सर लोग जाते हैं कंपनी में। अच्छा हाँ, तो अब मैं मुझे ये अफसोस होता है हमारे यहाँ उल्टा कानून देखते हुए दिल को दुख होता है, वजीर आजम हो या सदर हो तो उनकी उम्र माशाल्लाह बहुत बहुत है, अल्लाह उनको अच्छा रखे, मेरी खिलाफ नहीं है, वो नो फाइज है, जो गरीब आदमी जिसके हाथ पैर काम कर सकता है एक्ट्री है तो उसको काम करने दिया जाए, वो अपने घर किस तरह चला रहे, किसी की कोई औलादी नहीं है, नहीं ना किसी का सिर्फ एक बेटा, कोई अपने वालदैन को खिला नहीं रहे, ऐसे भी लोग हैं बहुत, यहाँ इस माशरे में अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी हैं मशहूर भाई। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है, तो मेरा दिल होता है कि उनके लिए जो काम कर सकते हैं ना यार उनको काम करने दो, उनको आप घर क्यों भेज दे रहे हो, क्या जाके वो भीख मांगे, अगर इज्जत से कमा रहे हैं मेहनत से कमा रहे हैं तो ये जुर्म है उनको। सही सही सही, तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ कि वो मेरी बात ये सुन सके, मेरी किसी खिलाफ बात नहीं है, तो उन लोगों के लिए है जो गरीब गुरबा बेचारे हैं ना, तो और आप आए प्रोग्राम में, FM की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, आप उन्होंने आपको मौका दिया और हमें मौका मिला, हम आपकी बातें सुने अच्छी अच्छी,
चले। जो मेरे भाई काले करते हैं, मेरी उनसे अर्ज है, बड़ी लंबी काले कर रहे थे, दूसरों को मौका नहीं मिल रहा था। अच्छा चलिए, आपको मौका मिल गया, माशाल्लाह बात भी आपकी होगी, माशाल्लाह बहुत खुश रहिए बहुत आपके घर वालों को। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। मास्टर मकबूल थे जी हमारे साथ, और आपका भी दिल चाह रहा है तो आप हमें कॉल मिला सकते हैं, 1111-0105 नंबर है, यानी 021 पहले डायल कीजिएगा, और उसके बाद आपने 111-000-105 इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ऐसे भी लोग हैं साहब जिनकी सांसों को सभा कहते हैं, और आप हमें टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, HOT लिखना है पहले और उसके बाद एक स्पेस देनी है, और अपना मैसेज लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, और भेजना है 8881 पर। दिस इज हॉट 105, आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड मुजफ्फर अहमद के साथ। सबा में था न दिल अवैस ये बहार में था, वो एक इशारा कि उस चश्मे वजादार में था, गुजर कुछ और भी आहिस्ता है निगारे विसाल, एक उम्र से मैं तेरे इंतजार में था। You are listening to Hot FM 105 Radio Network. साहब थोड़ी देर में खबरों का वक्त हो जाएगा, लेकिन खबरों से पहले एक कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
محمد اسحاق شیخ جی بھائی جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ یہ میں ہوں تو میں سکھر کا جی جی کراچی میں لیڈیز کا وہ جو سنا آپ نے میسج جی جی کی تین بچیوں کی ماں جی 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 ان مردوں کو پر کوئی گلا شکوا نہیں کر سکتے آپ پکول آپ کے آپ نے وہ جاہل جی میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ بھائی جب بچی کسی کو دی جائے پڑھا لکھا کتنا بھی ہو اور سمجھدار کتنا بھی ہو عورت کو جب تکلیف دیتا ہے تو سمجھو اس کے ماں باپ آدھے مر چکے ہیں بے شک بے شک اور آدھے جو ہے نا عورت مر چکی جی تو ایسے مردوں سے پہلے آدمی ان کی 10 جگہوں سے پوچھ گچھ کرے کیا مسئلہ ہے کیوں کر رہے ایسا اگر انسان میں طاقت ہے اس کے ماں باپوں میں تو پہلے تو ان کو اتنا جو داماد یہ حرکتیں کرے نا اسے ایسی چیز کر رہے ہیں جو دنیا بھر اس کرے گا تین بیٹیاں ہیں جی جی کل اگر تین بیٹیوں کو تکلیف آ جائے صحیح تو ان کا اس کا باپ یا ماں پوری پڑے گی لہٰذا ایسے مردوں کے لیے یہی ہے کہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے جی ہاں بالکل اصل میں ایسے مردوں کی بات کی ہے جی جی شہرت کی مجھے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بھائی ایسے لوگ بھی ہیں جو رشتہ نہ دینے پہ وہ کرتے ہیں اگر خدا نہ خاصا تھوڑا وہ سمجھدار یا کوئی پہلے تو ان کے کوئی بزرگ ہو جو ان سے بات چیت کر کے بھائی آپ ٹھیک ہے داماد نہ جائے تو نہ جائے عورت کو آپ نے کیوں ماں باپ کے لیے روکا جی ہاں جی ہاں بالکل بالکل تو اگر وہ عورت اچھی ہے اور اب بھی اس طرف سے گزر رہی ہے اور پھر اس کے بعد ساس کے لیے اور اپنے میاں کے لیے کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ اچھے ہیں میرے لیے میں اس عورت کو سلام کر دوں جی بے شک بے شک بے شک سر اور اس عورت کے لیے جو ہمارے پاس الفاظ ہیں نا جی تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے سندھی میں ہے کہ بھائی تول تول کے چیزیں کو آپ دیں تو یہ جب چیزیں ایسی ہونا تو خود ہمیں افسوس ہوتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے جی ہاں بے شک سر بہت شکریہ آپ نے ایک اور بات کی جو کچرا والے کی آپ نے کہا کہ کنٹرول میں یہ ہم خود ہی کرتے ہیں جی ہم صرف گورنمنٹ کو نہیں ٹھہرا سکتے کہ بھائی گورنمنٹ کر رہی ہے یا سب کر رہے ہیں نہیں ہم خود ہی کر رہے ہیں جی ہاں خود ہی کر رہے ہیں ابھی ہمارے گھر کے پاس ایک روڈ چھوٹی سی بنی ہے آپ بھروسہ کر کے رات بن گئی اور صبح اس کے اوپر میں گیا ہوں تو اس میں ڈنڈے لگ رہے تھے ٹینٹیں لگ رہی تھیں تو ان سے کہو تو کہتے ہیں یار یہ تو بھتے لیتے ہیں ارے بھائی بھتے دیتے ہیں تو بھائی آپ لوگ کیوں دیتے ہیں جی جی یہ مظفر صاحب آپ کی بڑی آواز اچھی ہے بہت شکریہ سر زبان میں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے ایمان دے جزاک اللہ سر جزاک اللہ سر تھینک یو مچ سر میرے لیے آنر ہے کہ آپ نے کال کیا میری بھی یہ پہلی کال تھا اچھا چلیے بہت شکریہ سر بہت شکریہ تھینک یو مچ اللہ حافظ صاحب صاحب تھے جی ہمارے ساتھ بڑی اچھی باتیں کی اصل میں تربیت کا فقدان ہے میں ہمیشہ اپنے شوز میں تربیت کی بات کرتا ہوں جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں نا ان کی تربیت میں کمی ہوتی ہے ان کے ماں باپ کے خیالات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں تبھی تو اپنی اولاد کو اچھا انسان بنانے میں ناکام ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگ دکھی رہتے ہیں ساری زندگی دکھ میں گزارتے ہیں اب ان کے اپنے بچے بھی ہوں گے بیٹی بھی ہوگی تین بچے ہیں تو ان میں یقیناً بیٹی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوگی تو بیٹی والوں کو تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اپنے دل کو نرم رکھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو کل کو ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے یعنی بھی خواتین زید مجھے اچھا لگا دوست نے ہمیں کال کیا آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھی بات شیئر کر سکتے ہیں 12 بجے کی خبروں کا وقت بس ہوا چاہتا ہے آپ کو بتانا ہے کہ آپ مجھے ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں HOT ہاٹ لکھنا ہے ایک اسپیس دینا ہے اپنا میسج اور اس کو پڑھ بھی لیجیے گا کہ آپ نے لکھا کیا ہے بعض اوقات رومن میں لکھتے ہیں تو اس کے ہجے صحیح نہیں ہوتے ہیں تو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے ہمیں سو کوشش کیجیے اپنا نام بھی اپنی جگہ بھی جہاں ہم سن رہے ہیں ہاٹ 105 کو ہمیں مطلع کیجیے گا اپنی خیریت سے اور ہم اب تو اپنی خرید بتا ہی رہے ہیں آئیے ہم خبریں سن لیتے ہیں